wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Good morning, Merry Christmas. Good morning. पहले तो तुम ये कैप पहन लो. ठीक है. और मैरी क्रिसमस कह दो. तो अभी अभी माही का सुबह हो गया है और सबसे क्रिसमस गाइस. और सबसे पहले माही उठ के अपने फ्रेंड्स का मैसेज देख रही है कि किन किन लोगों ने इसको विश किया है ना. हाँ, तो आज है. हाँ तो आज है 25 दिसंबर और मैंने माही के लिए कौन सा गिफ्ट लिया है अब मैं इसको देने वाली हूँ वो सरप्राइज. और यहाँ पे माही का क्रिसमस ट्री. ये तो अब मैं माही को देने वाली हूँ गिफ्ट जो है इसमें रैप किया हुआ. तो फर्स्ट गिफ्ट माही का जो माही को चाहिए था, जो माही बोल रही थी कि मम्मा मुझे ये मंगवा दो, तो ये है फर्स्ट गिफ्ट जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया. तो चलो इसे ओपन करो. मुझे याद नहीं है मैंने आपको कुछ बोला था. तुम देखो पता चल जाएगा. खोलो. तो क्या तुम्हें ये जरूरत था? हाँ या ना? Yes. Yes. Thanks. Yes. First gift. और हाँ. ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है. तो ये है माही का फर्स्ट गिफ्ट ईयरफोन जिसे माही अनबॉक्स कर रही है आराम से. मम्मी में बहुत झगड़ा होता था ईयरफोन को लेके. मैं बोलती थी कि मेरे को चाहिए, मम्मी बोलती थी हाँ. तो ये है माही का ईयरफोन. दिखा दो ऐसे ही. फिर दूसरा गिफ्ट भी खोलना है सही में. तो ये रहा माही का फर्स्ट गिफ्ट. तो मैंने आपको बताया ना जो जरूरत का चीज है मैं वही माही को गिफ्ट देती हूँ जो माही के काम आ सके है ना. ओके दूसरा गिफ्ट और ये है माही का दूसरा गिफ्ट जो माही को मिल रहा है अभी. तो माही ने अपना फर्स्ट वॉच तोड़ दिया है जो मैंने इसे बर्थडे पे दिया था. तो अब ये माही के लिए दूसरा गिफ्ट है. सो अब माही इसे अनबॉक्स करेगी फास्ट ट्रैक. तो अब माही करेगी इसे अनबॉक्स. आई विश यू अ मैरी क्रिसमस. तो माही का सांता कौन बना है बताओ? कौन है तुम्हारा सांता? कैसा लग? अरे बा यही तो रिएक्शन चाहिए था. अरे बा अरे बा अरे बा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. कितना किसी करेगी कितना किसी करेगी. तो अब बताओ ये वॉच तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर है. अच्छा लगा ना? हाँ. और जानबूझ के मैंने ब्लैक डार्क कलर में लिया क्योंकि तुम्हें ब्लैक ही कलर चाहिए था ना. वैसे तो हमारा फेवरेट कलर पिंक है लेकिन ब्लैक भी अच्छा लगता है. अच्छा लगा? हाँ. चलो क्लोजअप से दिखा दो. तो ये है माही का फास्ट ट्रैक का वॉच. तो स्कूल के लिए अभी ज़रूरत पड़ता है क्योंकि थोड़ा सीनियर क्लास में चली गई है. तो ऑफ़ कोर्स वॉच का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. हमें हर काम टाइम से करना चाहिए. तो कैसा लगा तुम्हें मम्मा का सेकंड सरप्राइज गिफ्ट? बहुत अच्छा था. हाई फाइव. यस. मेरी मम्मी बेस्ट मम्मी है दोस्तों. तो चलो तो यहाँ से माही का क्रिसमस का शुरुआत हो चुका. और हाँ आज तुम्हारा ना और तुम्हारा फेवरेट डिश भी बन रहा है आज. सोचो क्या नॉनवेज में क्या पसंद. यस. तो आज माही के लिए चिकन बन रहा है. Thanks. तो मम्मा बना रही है चिकन. मम्मी बेस्ट मम्मी. ओ मेरा बच्चा. सो गाइस तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चिकन. तो मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं चिकन में. बस अभी ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी. तो ये माही का बहुत ज़्यादा फेवरेट चिकन है. वॉच पहन भी लिया है. बहुत अच्छा लग रहा है ना. और ये सोनाटा वाला तोड़ दिए पता है आपको? उसका बेल्ट तोड़ दिए जो बर्थडे पे किए थे. ये ठीक है ना? ये आपको अच्छा लगा ना? है ना? दिखाओ. तो बहुत सुंदर है. वाह ये तो तुम्हारे ड्रेस से फुल मैच कर रहा है. गोल्डन ग्रे ब्लैक. वाह आज तो माही का सच्ची में पार्टी हो गया ना. मेरी मम्मी मेरे से इतना प्यार करती है मैं क्या करूं. हाँ मेरी मम्मी मुझसे इतना प्यार करती है मैं क्या करूं.
सो गाइस, तो फाइनली हो चुका है रात और आज है 25 दिसंबर। तो मॉर्निंग में माई को गिफ्ट भी मिल चुका था और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज हमारे साथ कौन शामिल है क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, सूटर। तो आज हमारे साथ शामिल है सूटर, बहुत ही ज़्यादा मनाने के बाद आई है, जल्दी अंदर आता नहीं क्योंकि इन लोगों को छत पे रहने का आदत हो गया है, तो बहुत ही मुश्किल से आया है ना सूटर। तो चला जाए केक कटिंग करने। कहा जाता है मेरी क्रिसमस पूरे फैमिली के साथ मनाया जाता है, हम लोग का फैमिली में है तो हम लोग इसको सूटर। तो चलते हैं केक कटिंग के लिए, केक खाना है ना, केक खाना है ना, है ना। चलो तो अब हम लोग करेंगे केक कटिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक लगा दिया है और हम लोगों ने थीम के अनुसार रेड एंड ब्लैक कलर का ड्रेस भी पहन लिया। तो चलिए अभी फाइनली हम लोग करते हैं केक कटिंग। तो यहाँ पे है हमारा केक और यहाँ पे है मेरा स्कूटर, माही, माही के पापा। तो अब हम लोग करेंगे केक कटिंग, सो लेट्स गो। तो यहाँ पे क्रिसमस का केक आ चुका है, क्रिसमस के थीम से मैच करता हुआ, और यहाँ पे सारे कैंडल्स। अभी पापा की गोदी में जा रहा है तो इसका ड्रामा देख लो आप लोग, कभी जा रहा है माही के गोदी में और कभी जा रहा है पापा के गोदी में, है ना सूटर। तो केक कटिंग करें, चलो आ जाओ। तो मैं ही करूँ क्या, आप यही कटिंग यही मिलेगा, मिलेगा, घबराओ नहीं, अभी नहीं, अभी तो मिलेगा केक कटिंग। गोबर दान चक्कर सूटर को ये वाला पार्टन देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, पहले हम लोगों को खिला, आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो ये आप लोगों के लिए। तो अब माँ ही खाएगी और ये है सबकी मम्मी के लिए। तो मैं सबकी मम्मी, तुमने खाया ना, खा लिया ना, हो गया। अब फूफा तो किसी है ही नहीं, मैं फूफा फूफा सबको नहीं, एक ही फूफा से तुम काफी है। तो हमारा केक कटिंग हो चुका है, थोड़ा क्लोजर से आप लोग देख लो। तो ये है न्यू ईयर का केक। तो चलिए अब हम लोग केक रखते हैं और अब खाने का तैयारी करते हैं। ये कौन खाएगा, रुको रुको, शूटर शूटर बैठो। साथ में दिखाओ छोटा कैसा लगा केक खा के। तो
स्कूटर कॉल बहुत मजा आया होगा। साल में एक ही बार इसको केक खाने के लिए मिलता है क्योंकि डॉग्स को ज्यादा बाहर का खाता है। अच्छा हाँ हाँ, माही के बर्थडे में भी खाता है, लेकिन क्रिसमस के दिन भीड़ भाड़ नहीं होता है ना, हम लोग अकेले सेलिब्रेट करते हैं इसलिए इसको निकालते हैं। भीड़ भाड़ में ना डॉग्स ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए वह भीड़ भाड़ में नहीं निकालते हैं। स्कूटर है ना, क्या लोका ट्यूटर है मेरा शूटर, सॉरी दिलों का शूटर। अरे क्या बात है, आज सूटर को जाने का मन नहीं कर रहा है ऊपर। सूटर ओए हीरो, जैकेट कहाँ है? इसका जैकेट अभी रखा हुआ है बाहर, खोल के क्योंकि गंदा कर दिया था, है ना क्या? So guys, तो माही ने आज ये ड्रेस पहना था, देखो कैसे माही ने पेयर अप किया है, खुद से किया है कॉम्बिनेशन। अंदर में है टी शर्ट ब्लैक कलर का, हाँ आपका तो हमेशा अच्छा रहता है। वैसे भी जेंट्स लोग, वैसे भी जेंट्स लोग रफ एंड टफ रहते हैं, तो जेंट्स लोग फटाफट रेडी हो जाते हैं, है ना। तो माही ने हाँ हाँ डंडा यूज करो, इस पर काहे के लिए हम टिश्यू पेपर ला रहे हैं ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेशन किया था क्रिसमस का, ये आप लोग देख सकते हो। और कैसा लग रहा है ना, लग रहा है ना पूरा क्रिसमस थीम। और यहाँ पे पतिदेव जी खाना खा रहे हैं। मैं हस्बैंड के लिए सब्जी लेके आती हूँ, सब्जी नहीं लेके आए, वो भी सब्जी लेके आती।